नमस्कार, मैं श्वेता आपका लुक स्मार्ट में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर पर। अवैध माइनिंग मामले में घिरी पंजाब सरकार, सिंधु की याचिका पर एनजीटी में सुनवाई आज। हाई कोर्ट मांग चुका है 10 साल का रिकॉर्ड। पंजाब के रोपड़ में हो रही अवैध माइनिंग के मामले में पंजाब सरकार घिर गई है। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रधान व सीनियर नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उनके द्वारा दायर की गई याचिका पर आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में सुनवाई होगी। केस में सिंधु ने सरकार को पार्टी बनाया हुआ है, जबकि रोपड़ अवैध माइनिंग मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी सख्त है। हाईकोर्ट सरकार से 10 साल में अवैध माइनिंग से जुड़े हुए दर्ज किए गए केसों का पूरा रिकॉर्ड पहले से ही तलब कर चुका है। ये दलीलें सिंधु ने एनजीटी में रखी हैं। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव, बाढ़ का खतरा। एनजीटी में दायर याचिका में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि रोपड़ जिले में अवैध माइनिंग बड़े स्तर पर मशीनों से हो रही है। मशीनों और क्रशरों के चलने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अवैध, अनियमित और अवैज्ञानिक खनन से वह नदी का तल बदल सकता है और क्षेत्र में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। अधिकारी भी इस काम में शामिल हैं। उन्होंने दलील की दी है कि इस अवैध माइनिंग के काम में अधिकारी भी शामिल हैं, जिसकी शह पर अवैध माइनिंग हो रही है। ऐसे में उन अधिकारियों की पहचान कर उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।